सौरभ, ये पहला कार्यक्रम नहीं है मैंने नकल या पेपर लीक पर किया हो, मेरे ख्याल से पांचवा कार्यक्रम मैं कर रहा हूं। आज जो आपने तावड़ू में तस्वीरें देखी और ब्रजेश पाल ये कन्नौज का युवा जो आत्महत्या करने से पहले खत लिखता है, वो भी शायद आपने पढ़ लिया होगा, क्या है आपके जहन में पहला ख्याल? संदीप जी, एक विद्यार्थी के नाते, एक शिक्षक के नाते और विश्वविद्यालय में हर दिन पठन पाठन के नाते, ये जो कुछ भी देखने को सामने है इससे मन बहुत व्यथित है। ये बहुत ही दुखद है, इसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी कहने जैसी स्थिति मुझे नहीं दिखती है। आपके मुहिम में हम खुले मंच से यह कह रहे हैं कि आप साथ हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आखिर ये सारी चीजें कहां से प्रारंभ हुई और कब जाके ठीक होंगी, सवाल ये खड़ा होता है हमारे सामने। आगरा की घटना जिस पर आपने अगले दिन चर्चा की, आज उसका परिणाम सामने है, पकड़ के पूरा गिरो और सबको, सरकार योगी सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। पुलिस भर्ती पहली बार ऐसी सरकार ने हिम्मत दिखाई, रैकेट्स कहां किस तरह से काम नेक्सस क्या हो रहा था उसकी समीक्षा पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन त्वरित कार्रवाई के लिए निर्णय लिया, रद्द कराने का हिम्मत दिखाया। मुझे लगता है केंद्र सरकार और राज्यों में ये जो वर्षों से चली आ रही परिपाटी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जिस तरह से शिक्षा को गंभीरता से लिया है, अब आपका सवाल मैं जानता हूं कि रिवर्स होगा कि सौरभ जी ये आंकड़े हैं वो आपने सब बता दिया, लेकिन हम बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि आपके साथ खड़े हैं, इसमें कुछ भी हमारे पास बोलने जैसा नहीं। अरे है भाई, क्योंकि मैं रोज देखता आप हूं माफिया पर बुलडोजर चला देते हैं, ये सवाल मैंने तब भी पूछा था, आज भी सवाल का जवाब दे दीजिए। पर्चा रद्द करने से 6 साल बाद पुलिस भर्ती की परीक्षा होती है, 6 महीने बाद अब वो दोबारा होगी, कब नॉर्मल सेल होगा, कब राधा नाचेगी और युवा सड़क पर भटकता रहे, युवा के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना, बहुत बड़ा, बहुत खिलवाड़ है। इतने संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर मन व्यथित है, कुछ भी कहने जैसा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे कि यह सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के लिए कमर कसी है। भाई पाठ्यक्रम आप बदल रहे हैं, पाठ्यक्रम बदल दीजिए, व्यवस्था तो बदलिए, ये व्यवस्था बदलने में क्या लगता है? बच्चे एक नकल करने वाले, नकल के नाम 9 शब्द भी बोलने वाले, पर्चा लीक की तो बात दूर है, सामने आ रहा है परिणाम, आप देखिएगा। इस उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, नकल के नाम पर 9 कहने वाले नहीं मिलेंगे। मैं इसे राज्यों में नहीं बांटना चाहता, मैं राज्यों में नहीं बांटना चाह रहा, मैं अखिल भारतीय स्तर का एक खाका खींच रहा हूँ। तावड़ू में जो हुआ ये क्या, तावड़ू में जो हुआ मतलब खुलेआम बंदरों की तरह वहां चढ़ रहे हैं, नकल करवा रहे हैं, युवा ही युवा को नकल करवा रहा है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही संवेदनशील बात है, इससे इस पर कुछ भी कहना कठिन है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में हर राज्यों में शिक्षा को लेके जिस तरह से मूलचूल परिवर्तन की बात की गई है, वर्षों की परिपाटी पर जिस तरह से नकल माफियाओं का सरगना पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने सर पे ढोती रही, यही राजक्रम बदल रहे हो, यही वो पाठ्यक्रम पढ़ कौन रहा है जब नकल का कारोबार ऐसे चलेगा, कोई नकलची टॉपर हो जाता है, एसआई टॉपर जो था राजस्थान में नकल के आधार पर टॉपर हुआ। संदीप जी, सम्मान पूर्वक मैं कह रहा हूं और भरोसा दिलाते हुए कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार एक भी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को दूर दूर तक, चाहे हरियाणा में रहे या बाहर जाए, कहीं भी केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन के लिए बस ढांढस बंधाने के लिए थोड़ी संवेदनाएं जाहिर कर दी, घड़ियाली आंसू बहा दिए और फिर दोबारा से नकल का काम शुरू। मूल चूल परिवर्तन
परिणाम लाने के लिए यह सरकार कृत संकल्पित है और शिक्षा हमारी प्रायोरिटी है, शिक्षा हमारी प्राथमिकता, शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।